फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट और मैं हूं सोनिया शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि सर्दियां जाने ही वाली हैं और मौसम में बहुत अच्छी धूप खिलने लगी है, तो यही सीजन होता है किसी भी अचार को डालने का। तो आज की हमारी रेसिपी है गाजर का अचार। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। गाजर का अचार डालने का प्रोसेस, उनको छीलकर अच्छे से धोकर और इस तरह से पीसेस करने के बाद उनको लगभग 2 से 3 घंटे अच्छी धूप में सुखाने के साथ शुरू होता है। तो देखिए, 2 से 3 घंटे धूप में सूखने के बाद हमारी गाजर अचार के लिए तैयार है। तो गाजर का अचार डालने से पहले हम सरसों के तेल की धास या उसका तीखापन निकाल लेंगे। उसको अच्छे से गरम करके जब तक कि उसमें से धुआं ना निकलने लग जाए, इस तरह से। तो ऐसा करने से सरसों के तेल की धास खत्म हो जाएगी, तो अचार को खाते समय आपको सरसों के तेल के तीखेपन का एहसास नहीं होगा। वैसे तो आप सरसों के तेल को बिना पकाए भी यूज कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सरसों के तेल को इस तरह से पका लें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अचार में क्या क्या मसाले डालेंगे, तब तक ये तेल ठंडा हो जाएगा। यहाँ मैं 1 किलो गाजर का अचार डाल रही हूँ, जिसके लिए मसालों की इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट है। आप गाजर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मसाले घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच राई, 2 चम्मच पीली सरसों, 2 चम्मच मोटी सौंफ, बिल्कुल थोड़ा सा ही मेथी दाना। मेथी दाना ज़्यादा ना डालें, नहीं तो इससे अचार में कड़वापन आ जाएगा। और स्वादानुसार नमक, मैं यहाँ पर 2 चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है तो आप इसमें 1 चम्मच नॉर्मल नमक और 1/2 चम्मच काला नमक भी डाल सकते हैं, जिससे हाजमा बहुत अच्छा होता है। और मेजरमेंट के लिए मैंने घर में यूज़ होने वाली नॉर्मल चम्मच ही ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 घंटे कड़ी धूप में सुखाने के बाद गाजर बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं और अचार के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हम मसालों को पीस लेंगे। मैं यहाँ पर मसालों को मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं, क्योंकि हमको मसाले दरदरे ही पीसने हैं, हमें इन मसालों को बारीक नहीं करना। ये देखिए इस तरह से। दरदरे मसाले खाने में तो अच्छे लगते ही हैं और साथ ही साथ अचार को एक अच्छी सी खुशबू भी देते हैं। तो मसालों को पीसने के बाद इनको गाजर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी भी डाल देंगे। तो अब इनको आपस में मिक्स करेंगे और श्योर करेंगे कि हर एक गाजर पर मसाला लग जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी हर गाजर में मसाला अच्छे से लग चुका है। अगर आप अचार को मिक्स करने के लिए स्पैचुला का यूज कर रहे हो मेरी तरह, या फिर हाथ से ही मिक्स कर रहे हो, तो याद रखिए हाथ और स्पैचुला दोनों ही सूखे होने चाहिए, क्योंकि पानी की एक बूंद भी अचार को खराब कर सकती है। मैं यहाँ पर अचार डालने के लिए कांच के मर्तबान का यूज कर रही हूँ, और अगर आप चाहें तो किसी भी अच्छी कंपनी के फूड ग्रेड प्लास्टिक वाले कंटेनर का यूज कर सकते हैं। जब आप सारी गाजर को मर्तबान में डाल चुके हों, तो बचे हुए मसाले को भी इसके ऊपर डाल दें। और आखिर में हमें इसमें सरसों का तेल डालना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर 200 से 250 ml सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये वही तेल है जो हमने पहले पकाया था। तो बस अब इस पे साफ और सूखा कपड़ा बांधकर इसको 3 से 4 दिन के लिए कड़ी धूप में रख देंगे। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, दिन में कम से कम एक बार मर्तबान में रखे हुए अचार को हमें मिक्स करना है, ताकि जो तेल नीचे बैठ चुका है मिक्स करने से गाजर के हर पीस पे लग जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, गाजर को दिन में एक बार इस तरह से मिक्स करना है। अचार को डाले हुए आज 5वां दिन है, तो चलिए मैं आपको मर्तबान खोल के दिखाती हूँ कि गाजर का अचार कैसा बना है। मर्तबान खोलते ही मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और आप देख सकते हैं कि हर गाजर पर मसाला बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ है। गाजर का अचार डालना सिर्फ 5 मिनट का काम है, बस 2 घंटे धूप में सुखाने के बाद। आप इस अचार को चावल, आलू पूरी, छोले भटूरे या पुलाव किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जितने दिन ज्यादा आप अचार को धूप में रखेंगे, उतना ही वो ज्यादा टेस्टी और यमी बनेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी, और आप इसे घर में ट्राई जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि गाजर का अचार कैसा बना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।